subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शाह परिवार के तानों की प्रैक्टिस में नहीं आई कोई कमी, अनुपमा नहीं तो माही ही सही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हंसी आती है ऐसे सीन देख के और दुख भी होता है। हंसी इसलिए आती है कि ये शाह परिवार अपनी एंटरटेनमेंट के लिए किसी ना किसी को ढूंढ ही लेता है। एंटरटेनमेंट उनकी किस में होती है? किसी को ताने दे के, किसी का दिल दुखा के। और अनुपमा हो तो उनकी तो लॉटरी लग जाती कि ये तो बढ़िया है भाई, इसको तो ताने मारने का मजा ही अलग है। वहां तो बाकी भी पार्टिसिपेशन 100% होती है, मगर अब अनुपमा तो द्वारिका गई है, बचा कौन? माही। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। माही अब इसी घर का हिस्सा है। माही ने अनुपमा को चुना है। अनुरी वही है उसकी माँ, जो उसने अपने डायलॉग में कहा कि मुझे जो है आप ही चाहिए थे इसलिए मैं यहां पे रुकी। मतलब उसके पास ऑप्शन था, उसने चुना। अब चुना है तो ये जो बैगेज है शाह परिवार, ये तो कुछ करेगा नहीं, निठल्लों की तरह बैठ के सिर्फ नए नए ताने इजाद करेगा। आज तो डॉली भी नॉर्मल लग रही थी अनुपमा के जाने के बाद, कोई पागल नहीं दिख रही थी। तोशु जो है बैठा है, अब वो वही चीज बार बार दोहरा रहा है कि सब कुछ मैं ही करूं, सब कुछ मैं ही करूं, सब कुछ मैं ही करूं। तो इस सब में आपस में तो इनकी नोकझोंक चलेगी ही चलेगी। मगर दोस्तों, जो माही करती है अनुपमा की तरह, नया डिश बनाया, उसने कहा टाइम आउट। तोशु और डॉली में जो बहस हो रही थी, उसने झगड़ा खत्म करने के लिए कहा कि मैंने नई डिश बनाई है, इसको टेस्ट करके बताइए। मगर यहां पे डॉली बां की भूमिका निभाते हुए बां के सामने सामने, क्योंकि बाब माही को तो ताना नहीं मार सकती क्योंकि बां को भी माही पसंद है। तो डॉली ने वो फर्ज निभाया और माही को तड़ाक से एक ताना परोस दिया। माही का मुंह उतरा, मगर परी ने अपनी जो है सिचुएशन संभाली और कहा कि मुझे करा, मैं तेरी ऑफिशियल टेस्ट चेक करने वाली हूं तो मुझे करा टेस्ट। मगर यहां पे जो कभी नहीं ताने देती वो आ गई, यानी कि केंजल आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये माहौल इनको ऐसा ही चाहिए शाह परिवार को, कि कोई एक सब्जेक्ट मिले जिसको हम लोग बड़े ही प्यार से ताने मारते रहे और ये सब्जेक्ट कुछ ना बोले। माही भी उसका ही एक हिस्सा है। तो ये प्रैक्टिस इनकी आज माही पे, कल अनुपमा पे, फिर किसी तीसरे पे, ये चलती ही रहेगी। तो इसको आप एंटरटेनमेंट के तौर पे ही लीजिए, यही मैं कहूंगी। परेशान मत होइए क्योंकि इनका अब बोलने का सिर्फ बोलना ही है और कोई इनका मतलब है ही नहीं। ये बोलते हैं, बड़ास निकालते, क्योंकि ये तब से यही कर रहे हैं, जब से ये सीरियल शुरू हुआ यही कर रहे हैं। तो दिल पे मत लीजिए क्योंकि ये ऐसा ही रहेंगे। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.